SIP के जरिए पहुंचने वाला छोटा छोटा निवेश म्यूचुअल फंड बाजार में बड़े रिकॉर्ड बना रहा है। बीते महीने 14 लाख नए अकाउंट खुले, कुल खातों की संख्या 5 करोड़ के पार निकल गई। इन 5 करोड़ 5 लाख खातों से बाजार में कुल 11,517 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो दिसंबर के मुकाबले 2% ज्यादा था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी MFI की ओर से जारी ताजा आंकड़ों की पड़ताल कुछ और भी बता रही है। रिटेल निवेशकों की ओर से भले लगातार 11वें महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ा हो, लेकिन कुल निवेश घटा है। यानी एक साथ लमसम पैसा डालने वाले बड़े निवेशक शेयर बाजार आधारित इक्विटी स्कीमों से परहेज कर रहे हैं। जनवरी में इक्विटी बेस्ड स्कीमों में कुल 14,888 करोड़ का निवेश आया, जो दिसंबर के मुकाबले 41% कम है। बाजार के विशेषज्ञ इस तीखी गिरावट की कई वजहें मान रहे हैं। मसलन शेयर बाजार में मची उठापटक, विदेशी निवेशकों की ओर से बढ़ी रिकवाली, खौलते कच्चे तेल से महंगाई की बढ़ती चिंता और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका। इक्विटी की जगह निवेशक ऐसे फंड्स का रुख कर रहे हैं जहां जोखिम कम हो, जैसे डेट फंड या बैलेंस्ड फंड। दिसंबर में डेट फंड से 49,000 करोड़ की शुद्ध निकासी थी, जबकि जनवरी में करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फिर छोटे निवेशक क्या करें? तो राय कुछ ऐसी है कि बाजार कुछ कंसोलिडेशन या उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है, लेकिन सिर्फ इस वजह से पोर्टफोलियो में उलटफेर करना जरूरी नहीं है। MyWealthGrowth.com के co-founder हर्षद चेतनवाला कहते हैं कि बाजार के मौजूदा दौर में आप पोर्टफोलियो की समीक्षा कर सकते हैं। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो धीरे धीरे सही फंड में निवेश कर आप अपने पोर्टफोलियो को दुरुस्त कर सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड्स और डायनेमिक एसेट लोकेशन फंड जैसे हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स का चुनाव बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इन फंड्स में सुविधा होती है कि फंड मैनेजर समय समय पर शेयर बाजार के प्रदर्शन के मुताबिक इक्विटी और डेट की हिस्सेदारी में बदलाव कर सके। अब सुनिए Money9 की सलाह। उतार चढ़ाव के बीच जो निवेशक SIP में निवेश बनाए रखते हैं, उन्हें कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। यानी जब गिरावट होती है तब कम दाम पर ज्यादा यूनिट मिल जाती है और औसत खरीद कम कीमत में हो जाती है। ऐसे में अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बाजार के उतार चढ़ाव में अपना निवेश जारी रखें।